ओ, राजस्थान के जो एमएलए बीटीपी के हैं, अभी अभी नई पार्टी बना के बोल रहे हैं कि हाई कमांड गुजरात का जो बीटीपी का है वो चुनाव उधर नहीं लड़ेंगे। अरे जरूर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? बीटीपी से तो हमने आपको जिताया था। हमारी जो मांगे थी, सरकार के पास जो मांगे थी वो करना था, वो नहीं किया उन लोगों ने मांगे, और हमारी जो आबादी है वहाँ वो नुकसान में गई है। इसलिए हमको शंका है इस पार्टी जो बनाई इस पर, इसलिए बीटीपी वहाँ चुनाव लड़ेगी, लड़ेगी लोकसभा भी लड़ेगी, सब लड़ेंगी। वो जो बता रहे हैं कितने इतने पंचायत में हमारे जो लोग हैं और चुने गए, वो बीटीपी से चुने गए हैं, उससे कहाँ कहाँ उसकी पार्टी से चुने गए हैं। कोई इंडिपेंडेंट नहीं चुना गया, बीटीपी से चुने गए हैं। वो हमारे लोग हैं ना, वो सौदाबाजी करने के लिए वो पार्टी बनाया है उन लोगों ने, दूसरा कुछ नहीं। अगर सौदाबाजी नहीं करते तो अभी तक वो राजस्थान पैटर्न लागू हो जाती राजस्थान में, और 25,000 करोड़ रुपया हर साल मिलता वहाँ के लोगों का। इस पर उन्होंने जो सौदा किया है, इसलिए बीटीपी वहाँ लड़ेगी लड़ेगी लड़ेगी।